हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मोमेंट्स, इसका सेकंड चैप्टर करेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो क्या एक छोटा मंकी है। एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक कारनामे, तो छोटे मंकी टोटो के साहसिक कारनामे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पैट? क्या आपने कभी पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में बेबी मंकी को रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ पता करते हैं कि वो शैतान है या डोसाइल है। डोसाइल का मतलब आज्ञाकारी है। ग्रैंडफादर, अब ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? ये रस्किन बॉन्ड ने। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने खरीदा था टोटो को एक तांगे के ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। कितने रुपए का? 5 रुपए का। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ होता है जैसे नांद होती है ना, पशुओं को खाना खिलाने की, चारा वगैरह खिलाने की, है ना, तो उसको बोलते हैं फीडिंग ट्रफ ना। तो जो टोंगा ड्राइवर था, तांगे का जो ड्राइवर था, वो उस छोटे लाल मुंह के बंदर को बांध के रखता था, ताई रखता था नांद से। नांद समझ रहे हो ना, जैसे देखा होगा जो गाय भैंस होती है ना, तो ऐसे एक वो बनी रहती है इस तरह का, है ना, उसमें भूसा वगैरह खली वगैरह उनको मिक्स करके डालते हैं, यहाँ पे वो खड़े खड़े चरते रहते हैं, तो उस नांद से बांध के वो उसको रखते थे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर, है ना, यानी एक तरह से अस्त व्यस्त। और वो जो मंकी था वो इतना अस्त व्यस्त दिखता था कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड, कि दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वो इस छोटे जानवर को ऐड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे टू हिज प्राइवेट जू, अपने निजी जू में, जो उनका एक खुद का जू था, घर के अंदर जू बना रखा था उन्होंने, उसमें अनेक तरह के जानवर रख रखे थे, उनमें उसे शामिल कर लेंगे टोटो को। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक प्रिटी मंकी था, है ना, सुंदर था देखने में। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। उसकी चमकीली आंखें, है ना, उसकी चमक भरी आंखें स्पार्कल्ड, चमकती रहती थी, है ना, विद मिस्चीफ, शैतानी से, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, है ना, उसकी गहरी जो भौहें होती हैं आँखों की, उनके नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, जो कि मोतियों जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो अक्सर दिख जाते थे इन्हें स्माइल, मुस्कुराते समय, दैट फ्राइटन, जो कि डरा देती थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी बंदर की वो डरा देती थी, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, है ना, जो एंग्लो इंडियन महिलाएं थीं। एंग्लो इंडियन महिलाएं का मतलब उस समय भारत, जिस समय ये कवि जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जब ये भारत में रहे हैं, तो उस समय अंग्रेजों का अधिकार था हमारे देश के ऊपर, और बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ जो है ना ऑफिसर्स के रूप में कार्य करते थे, तो उनका जो परिवार होता था, उनकी जो महिलाएं, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन लेडीज, तो उनको डरा देती थी उसकी जो बंदर की जो वो थी, दांत जो थे सफेद वाले। बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके जो हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, बिल्कुल सूखे नजर आते थे, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। ऐसा लगता था कि इनका अचार बना दिया गया है सूरज की धूप में, अर्थात सूरज की धूप में इनको सुखा दिया गया है इसके हाथों को बहुत वर्षों तक। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन उसकी जो, फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी बहुत तेज थी वो, एंड विक्ड, और शैतानी भरी थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसकी गुड लुक्स को ऐड करती थी, अर्थात बंदर को उसकी पूंछ क्या बनाती थी, सुंदर बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर ये विश्वास करते थे, ए टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स, कि जो टेल होती है किसी की, वो उसकी गुड लुक्स को क्या कर देती है, ऐड कर देती है, उसकी उसकी जो सुंदरता को बढ़ा देती है, ऐसा मेरे दादाजी मानते थे। तो वो जो उसकी पूंछ थी,
ऑल्सो सर्वड एज ए थर्ड हैंड, वो एक तीसरे हाथ का कार्य भी करती थी उस बंदर के लिए। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो किसी ब्रांच शाखा से लटकने के लिए उसको काम में ले सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी यानी नाजुक चीज, किसी भी नाजुक चीज को ऊपर उठाने में, है ना, कैपेबल था वो, योग्य था। ऐसा समझो माना कोई ऐसे कोई छिद्र के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, अब उसका हाथ है ना, जैसे ऐसे समझो कोई ऐसे यूँ इस तरह का है और यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, अब बंदर यहाँ से हाथ तो नहीं ले सकता, वो इतना हाथ उसका लंबा है नहीं, तो वो पूंछ डाल देता था इसमें और उस पूंछ से उस चीज़ को क्या कर लेता था, बाहर निकाल लेता था, ठीक है ना। तो उसकी जो पूंछ थी वो डेलिकेसी नाजुक चीज़ों को उठाने में, ऊपर उठाने में योग्य थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसके हाथों की पहुंच से दूर थी, जो चीज़ें उसकी हाथ की पकड़ में नहीं आ पाती थी, हाथ की पहुंच तक नहीं आ पाती थी, उनको वो पूंछ की सहायता से उठा लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, दादी माँ हमेशा क्रोधित हो जाती थी, है ना, एंग्री हो जाती थी व्हेन ग्रैंड फादर, जब हमारे दादाजी लेकर आते थे घर पर कोई नए पक्षी या जानवर को, तो दादी माँ क्या हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, अपसेट हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, अतः निश्चय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट ए सीक्रेट, कि जो टोटो की उपस्थिति है इसे एक सीक्रेट रखा जाए, फ्रॉम हर, उनसे यानी दादी माँ से इस बात को छिपा के रखा जाए, अनटिल सी वॉज इन, जब तक कि वो इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो किस में नहीं हो, गुड मूड में नहीं हो, अच्छे मूड में नहीं हो, यानी उनका मूड कभी अच्छा हो तब उनको ये बात बता दी जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, तो दादाजी और मैंने उसको छिपा दिया, पुट हिम अवे, उसे छिपा दिया, रख दिया इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग, एक छोटी सी खांचे में, जो मेरे बेडरूम की दीवार में था, मेरे बेडरूम की दीवार में एक छोटा सा खांचा था या कोई आलमारी टाइप मान लो या स्पेस कोई ऐसा था, ठीक है ना, उसमें उसको छिपा दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर कि उसे काफ़ी अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, जैसा और ये हम कह सकते हैं कि हमने सोचा कि भाई हाँ ये सिक्योर है, ये टू ए पैग फासनड इन टू ए द वॉल, पैग यानी खूंटी, फासन यानी बांधना किसी को, जैसे खूंटी से बांध देते हैं ना, इन टू द वॉल, और वॉल के अंदर क्या टंगी हुई थी, लगी हुई थी, एक खूंटी लगी हुई थी, उस खूंटी से उसको क्या कर दिया, बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी उस टोटो बंदर को छुड़ाने के लिए या बाहर निकालने के लिए वापस आए, है ना, चलो अब उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि, वी फाउंड दैट, हमने पाया द वॉल्स की जो दीवारें हैं, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, है ना, कि दादाजी ने चयन करके दीवारों पर क्या लगाए थे, सुंदर सुंदर वॉलपेपर लगाए थे, है ना, जैसे दीवारें होती हैं ना उनको सुंदर बनाने के लिए वॉलपेपर चिपका देते हैं उनके ऊपर, तरह तरह के रंग बिरंगे डिजाइन ऐसे जो होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम पहुंचे उसको वहां से मुक्त करने के लिए, तो क्या देखा, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, है ना, कि जो दीवारों को हमने सजावटी पेपर से चिपका के रख रखा था, जो कि सजावटी पेपर किसने चूज किए थे, दादाजी ने चूज किए थे, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो बिल्कुल नंगी खड़ी थी वो दीवारें, ईंटें और प्लास्टर नजर आ रहा था, अर्थात उसने उनको फाड़ दिया था, वॉलपेपर्स को क्या कर दिया था उस बंदर ने, फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी थी उसको उसकी सॉकेट में से हटा दिया गया था, ना मोड़ के निकाल दिया उसने बंदर ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरी जो स्कूल की ब्लेजर थी, ब्लेजर इज कोट जैसा होता है ना, और मेरे जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ टंग रहा था, वाज इन श्रेड्स, उसके टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए थे, श्रेड यानी टुकड़े टुकड़े उसने, बंदर ने, टोटो ने कर दिए थे।
आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था। देखो वंडर का मतलब ऐसे आश्चर्य करना होता है, लेकिन वंडर का आजकल क्या उपयोग होने लगा है, थॉट के बारे में, थिंक करने के बारे में। मैंने सोचा व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेंगी, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी तो चिंतित थे ही नहीं, दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के इस कारनामे से, परफॉर्मेंस यानी उसकी जो ये प्रस्तुति थी, उसकी जो कारनामा था, उससे वो प्रसन्न नजर आ रहे थे। ही इज क्लेवर, ये चतुर है, सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा ये जो टोटो है बंदर ये बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ यूर ब्लेजर इन टू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। समय पाकर, गिवन टाइम समय पाकर, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ यूर ब्लेजर, कि इस बंदर ने जो तुम्हारी ब्लेजर है, इसके जो धागे जो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ना, इसके चीर कर दिए थे उसने, उनको इसने क्या कर दिया है, बांध दिया है, इन टू ए रोप, इनकी क्या बना ली है, उन जो कतरन थी तुम्हारे ब्लेजर की, उनकी एक रस्सी बना ली है इसने। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से कूद के ये बंदर क्या हो गया है, फरार हो गया है, भाग गया है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी जो उपस्थिति थी बंदर की, अभी भी वो गोपनीय थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, टोटो को अब एक बड़े पिंजड़े के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, सर्वेंट्स जो क्वार्टर्स थे, नौकरों के जो क्वार्टर थे, उन पर, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट्स लिव्ड, जहाँ पर कि दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशिएबली टुगेदर, बहुत हिल मिल के एक साथ वो लोग रहते थे। ए टॉर्टॉइज, जिसमें कौन कौन थे, एक कछुआ था। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी रैबिट्स थे, खरगोश थे। ए टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल माई पैट गोट, और कुछ समय से मेरी पालतू बकरी भी थी उनमें। तो ये प्राइवेट जू था उनका। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो जो बंदर था वो अपने साथियों को, कंपेनियंस यानी साथियों को, रात को सोने नहीं देता था, है ना। जब से उसको वहाँ शिफ्ट किया तो उनको सोने ही नहीं देता, पर पूरी रात उनको परेशान करता रहता था। सो ग्रैंडफादर, अतः ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, है ना, जिन्हें कि अगले दिन कहाँ जाना था, देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, है ना, सहारनपुर से अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने निश्चय किया, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, कि ये और जो जानवर है उनको तंग करेगा, इसलिए मैं इसको साथ ले जाता हूँ अपने, ऐसा उसके दादाजी ने निश्चय किया, क्योंकि उनको पेंशन लेने के लिए जाना था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकॉम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका ऑन दैट ट्रिप, उस ट्रिप पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट afterwards, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे सारी बातें इसके बारे में बता दी थी। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक काला, है ना, कैनवास का बैग, है ना, कैनवास कपड़ा होता है ना, मोटा कपड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे वो बनती ना त्रिपाल वगैरह बनती हैं, उस तरह का कपड़ा, उसका एक किट बैग बनाया गया उसके लिए, है ना, टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग के नीचे तले में क्या कुछ घास फूस बिछा दी गई उसके लिए, है ना, आरामदायक बनाने के लिए उसको। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, वह उसकी क्या बन गई, एक नई जगह बन गई रहने का, एक नया स्थान उसके लिए बना दिया, यानी एक बड़ा सा बैग से ला गया, ठीक है ना, कैनवास का, जिसके अंदर नीचे क्या बिछा दी गई, घास फूस बिछा दी गई, जिससे कि उसको आरामदायक अवस्था में बैठा रह सके वो बंदर। वेन द बैग वॉज क्लोज, और जब बैग को बंद कर दिया जाए, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसमें से वो निकल नहीं सकता था, इस तरह का बैग से ला गया। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, है ना, टोटो अब उस ओपनिंग में से, उसका जो रास्ता था बैग का, दरवाजा था, दरवाजा मान लो, या उसका जो पल्ला था, ठीक है ना,
उससे वो बाहर नहीं निकाल सकता था अपने हाथों को। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग, और वो जो कैनवास था वो इतना स्ट्रांग था, मजबूत था, फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वो उसे काट के अपना रास्ता नहीं बना सकता था। वो कैनवास कैसा था, बहुत मजबूत और कठोर था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली, अगर वो कोशिश करेगा उससे बाहर निकलने की, हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बिग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, तो फिर वो क्या करेगा, वो फर्श के ऊपर लुढ़केगा बस, है ना। अगर वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो छोटा बंदर, तो बस वो क्या करेगा, बैग को रोल कर पाएगा, फिर वो बैग रोल, है ना, तो वो लुढ़काएगा उसको, बैल को, बैग को। और ओकेजनली जंप इन टू द एयर, और या ओकेजनली कभी कभी हवा में क्या करेगा, उछलेगा। एन एग्जीबिशन, एक क्या बन जाएगी, एक एग्जीबिशन बन जाएगी, एक मेला जैसा लग जाएगा। दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ओन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि अट्रैक्ट करेगा क्यूरियस क्राउड, उत्सुक भीड़ को, देखने वालों की, देहरादून रेलवे स्टेशन पर। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज द सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो किस में रहा, बैग के अंदर ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी निकाल के दे रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, निकाल के दे रहे थे अपना टिकट, एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल का मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे मेट्रो वगैरह होती हैं, है ना, तो एक इस तरह की मशीन सी होती है ना, ऐसे एक डंडा लगा रहता है इस तरह से ना, और यहाँ से कोई, तो उसमें से सिर्फ जैसे ये जो बैग, ये जो डंडा है, ये ऊपर हो जाता है, सिर्फ एक एक करके ही आदमी इसमें से जा सकते हैं, है ना, जिससे कि सबके टिकट चेक हो सकें, ठीक है ना, तो उसको टर्न स्टाइल बोलते हैं। एक मैकेनिकल क्या होता है, गेट होता है, मैकेनिकल एक गेट होता है, ठीक है ना, जिसमें से एक एक करके ही आदमी पास हो सकते हैं। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, है ना, तो जैसे ही वो उस जो टीटी था उसको अपना टिकट दिखा रहे थे, टिकट कलेक्टर को, टीसी को, तो ही जो टोटो ने अपना जो है ना मुंह बाहर निकाल लिया उसमें से, बैग में, उस जो उसके लिए बैग सेला था ना उसमें से, अब उसने हो सकता काट दिया होगा, हालांकि बनाया तो उसके लिए बहुत मजबूत था, ठीक है ना। तो बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, तो टोटो ने अचानक से अपना सिर बाहर निकाल लिया बैग में से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और उसकी तरह खर ऐसे कर दी, खर कर दी उसकी तरह, जैसे बंदर करते हैं ना खीं खीं, इस तरह से दांत दिखा दिए उसको, टीसी को, बंदर ने। द पुअर मैन वाज टेकन अवे, वो बेचारा हक्का बक्का रह गया, जो पुअर मैन किसके लिए आया, टीसी के लिए आया, टिकट कलेक्टर के लिए, है ना, वो भौचक्का रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, लेकिन उसने ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी थोड़ा अपना संतुलन नहीं खोया उसने, और ग्रैंडफादर को उसने, ग्रैंडफादर की अनोयंस के लिए, है ना, ग्रैंडफादर जिससे क्या हो गए, परेशान हो गए, है ना, उसकी बात से, टीसी की बात से, जब उसने क्या कहा, टीसी ने कहा, सर श्रीमान यू हैव ए डॉग विद यू, तुम्हारे पास कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसलिए आपको इसके अनुसार अलग से पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, कुत्ता है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, है ना, ग्रैंडफादर ने बैग में से टोटो को बाहर निकाल के दिखाया लेकिन असफल रहे, टीटी ने उसकी बात नहीं मानी। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, है ना, दादाजी ने ये खूब प्रूव करने की कोशिश की कि एक मंकी कुत्ता नहीं होता है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, या क्वाड्रप्ड का मतलब होता है चौपाया जानवर, जिसके चार पैर होते हैं, यानी भाई ये चौपाया जानवर नहीं है, जैसे कुत्ता तो क्या होता है, चौपाया जानवर है ना, जबकि मंकी जो है ये चौपाया जानवर नहीं है, फिर भी टोटो वाज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर द्वारा टोटो को क्या वर्गीकृत कर दिया गया,
डॉग के रूप में, एक तरह से डॉग की श्रेणी में रख दिया उसको, क्योंकि डॉग का उनके उसमें था कि भाई अगर कोई डॉग ले जाता हुआ पाया जाएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा। बंदर उनके उसमें था नहीं, लेकिन उसने उसको क्या मान लिया, टीसी ने उसको बंदर, बंदर को डॉग मान लिया। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को 3 रुपये उसके किराए के रूप में उसे देने पड़े, टीसी को देने पड़े। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, है ना, खुद का एक तरह से बदला लेने के लिए, उस टीसी से बदला लेने के लिए, है ना, जैसे होते हैं ना कई बार खिसिया जाते हैं, है ना, और थोड़ा सा झेप मिटाने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टॉइज, उन्होंने पॉकेट में से किसको निकाला, पालतू कछुए को निकाला। एंड सैड, और तब कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं आपके लिए क्या पेमेंट दूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, चूंकि तुम सारे जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हो, सारे जानवरों का अलग से टिकट ले रहे हो, तो बता दो, इसका भी बता दो, इसका टिकट क्या पेमेंट करूं मैं। अर्थात वो अपनी जेब मिटा रहे थे, उस टीटी को ये प्रूव करना चाह रहे थे कि तूने गलत किया है ये। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, टिकट टीसी ने उस टॉर्टॉइज को काफी बहुत नजदीकी से देखा, कैसे देखा उन्होंने उसे, नजदीकी से देखा, प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर, है ना, अपनी तर्जनी उंगली से उसको थोड़ा सा ऐसे यूं दबा के देखा, है ना, पोक का मतलब होता है उंगली दबाना, ऐसे ऐसे यूं उंगली पोक करना, ठीक है ना, प्रोडेड प्रोडेड विद हिज फोर फिंगर, अपनी तर्जनी उंगली से उसको थोड़ा सा दबा के देखा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक विजय भरी मुस्कान से दादाजी की तरफ देखा। एंड सैड, और कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, इट इज नॉट ए डॉग, ये कोई कुत्ता नहीं है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर, जब टोटो को, देखो ये रहा, ये टीसी है ना, जो टिकट कलेक्टर था ना रेलवे स्टेशन पे सहारनपुर, ये देखो ये सहारनपुर लिखा हुआ, ये इसके दादाजी हैं, और देखो ये बैग था जो कैनवास का बैग था ना, इस मंकी के लिए जो बनाया गया था, और हो सकता है ये इसमें से दांतों से काट कूट के और इसमें से चेहरा इसने बाहर निकाल लिया, इस बंदर ने अपना खी कर दी इसने, खर करता ना ये ऐसे। तो अब आगे पढ़ते हैं हम, When Toto was finally accepted by grandmother, जब अंत में दादी माँ ने टोटो को स्वीकार कर लिया, he was given a comfortable home in the stable, तो उसे एक आरामदायक स्थान प्रदान कर दिया गया अस्तबल में। अस्तबल क्या होता है, जहाँ पर अन्य जानवर रहते हैं, वैसे नॉर्मली घोड़े वगैरह उनके लिए होता है ये, लेकिन यहाँ पर स्टेबल का क्या मतलब है, जानवरों के रहने का, रहने वाला स्थान। Where he had for a companion the family donkey, जहाँ पर companion के रूप में उसके पास कौन, उसके उसके साथ कौन कौन थे, साथी के रूप में उसके उसके साथ donkey था एक, जिसका क्या नाम था, नाना था। On Toto's first night in the stable, stable की पहली रात्रि Toto ने, टोटो को जब पहली रात्रि उस अस्तबल में रखा गया, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable, कंफर्टेबल, तो दादाजी ने एक बार सोचा कि चलो एक बार देख के आता हूँ कि वो आरामदायक स्थिति में है या नहीं है, टोटो को कोई परेशानी तो वहाँ नहीं है। टू हिज सरप्राइज, उनको आश्चर्य हुआ, ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा कि जो डोंकी नाना है वो विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, है ना, हाल्टर का मतलब होता है जैसे जो जानवर होते हैं ना, तो घोड़ा हुआ है ना, तो उनकी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मुंह के ऊपर एक वो बेल्ट सी बंधी रहती है ना, हाल्टर हो गया ना, वो एक पट्टा सा होता है या एक रस्सी टाइप जैसे बंधी रहती है उसके मुंह के चारों ओर, जिससे उसको कंट्रोल करने के लिए होती है वो, ठीक है ना, लगाम जिसको बोलते हैं वो मान लो आप, है ना। तो वो देखा उसने कि बिना किसी कारण के जो जो नाना डोंकी है वो खींच रहा है अपनी हाल्टर को, है ना, एंड ट्राइंग, है ना, पीछे की ओर खींच रहा है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके अपने सिर को दूर रखने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, हे यानी घास फूस, जो उसके लिए घास फूस डाली है खाने के लिए, उसके बंडल से अपने मुंह को क्या कर रहा है, दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि नॉर्मली घास के तो पास रखते हैं जानवर अपने सिर को खाने के लिए, और वो जबरदस्ती हटा रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्केस, हॉन्चेस, है ना,
तो ये हॉन्चेस किसको बोलते हैं, जैसे वो होते हैं ना जो उसकी पुट्ठे होते हैं, पुट्ठे मान लो या हिप्स बोल लो, है ना, हिप्स। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने नाना को एक चपत लगाई, है ना, उसके हिप्स पर, है ना, उसके कूल्हों पर चपत लगाई। एंड सी जर्कड बैक, और वो पीछे की तरफ जर्क मारा उसने, पीछे की तरफ झटके से वापस आया। ड्रैगिंग टोटो विदर, और अपने साथ किसको खींच लाया, वो टोटो को खींच लाया। अर्थात उधर आगे की तरफ से कौन खींच रहा था उसको, टोटो खींच रहा था उसके, उसको पकड़ के, जो उसका लगाम थी, जो स्ट्रैप था उसके मुंह पे, उसको टोटो खींच रहा था। टोटो तो उसको दिखाई नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था अपने उसके दादाजी को, है ना, और वो बंदा, वो जो था नाना, वो पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही उन्होंने उसको पीछे से चपत लगाई उसके हिप्स पे, तो वो पीछे की तरफ मुड़ा, और उसने किसको खींच लाया आगे की तरफ, वो टोटो को भी खींच लाया अपने साथ। ही हैड फासनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, अब देखो उसने क्या शैतानी करी थी। ही हैड फासनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसने अपने तेज छोटे छोटे दांतों से उसके लंबे कानों को, जो डोंकी के लंबे लंबे कान होते हैं ना, बड़े बड़े कान होते हैं, है ना, उनको काट खाया था। फासंड, है ना, फासन का मतलब क्या होता है, एक तरह जैसे छेद करके, जैसे कोई दो चद्दर हैं, लोहे की चद्दर हैं ऐसे, है ना, और उनको ऐसे छेद करके नट बोल्ट कस देते हैं ना इसमें, तो फासन कर दिया एक तरह से, बांध दिया उसको। तो एक तरह से उसने क्या कर दिया था, उसके कान को दांत से छेद करके, छिद्र करके बांध दिया एक तरह से, बांध तो बांधना तो क्या, एक तरह से उसमें काट खाया वो, ये मान लो आप। ठीक है ना, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो टोटो और नाना कभी आपस में दोस्त नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर इज बाथ। एक बड़ी ट्रीट क्या होती थी, एक बड़ा ट्रीट का मतलब होता है उपहार एक तरह से, टोटो के लिए सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में शाम को उसके लिए क्या उपहार में क्या मिलता था, उसके लिए एक बड़ा बाउल मिलता था पानी, गर्म पानी का एक बड़ा बाउल, कटोरा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझ लो आप कि एक बड़ा कोई बर्तन मान लो, है ना, टब जैसे होता है, जो कि दादी उसको देती थी फॉर हिज बाथ, उसके लिए नहाने के लिए, गर्म पानी का एक बर्तन उसको मिलता था नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली, वह बड़ी चतुरता से, चतुराई से टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से उसका टेम्परेचर चेक करता था कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फिर धीरे से उसमें नहाने के लिए उतर जाता था। फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले एक पैर रखता फिर दूसरा पैर रखता, जैसे आदमी करते हैं ना वैसे ही वो करता था। एज ही हैज सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, तो वो मेरी क्या करता था, नकल करता था, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं। अंटिल ही वाज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, है ना, जब तक कि वो पानी में, और अब डुबकी मारता था जब तक कि गले तक वो डूब नहीं जाता था, जैसे बच्चे करते हैं सेम उनकी नकल वो करता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप, और जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता उसमें, उस नहाने का जो टब था उसके अंदर, तब देन ही टुक द सोप इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में क्या ले लेता, साबुन ले लेता, है ना। देन ही वुड टेक अप द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, या तो अपने हाथों में या पैरों में, क्योंकि पैरों से भी तो पकड़ लेते हैं ना, उसके पैर भी हाथ का ही काम करते हैं वो, ठीक है ना, तो उनमें पकड़ लेता था साबुन को। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरे शरीर पर साबुन मलता था। वेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, उसमें से बाहर निकल आता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और जितनी तेजी से दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, टू द किचन फायर, है ना, रसोई की आग के पास दौड़ के जाता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, तापने लग जाते हैं आके चूल्हे के पास नहाने के बाद, ऐसे कांपते रहते हैं नंग धड़ंगे, है ना, वैसे ही। इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम, और अगर कोई उसके ऊपर हंसता, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, उसकी इस कारनामे के दौरान अगर कोई उसके ऊपर हंसता, तो टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो आगे अगले दिन नहाने से इनकार कर देता। वन डे, एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उबाल दिया होता, जिंदा ही पानी के अंदर उबाल दिया होता, एक नया कारनामा उसने कर दिया।
ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड, है ना, एक रसोई की जो केतली होती है, कैटल जो होती है, केतली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, वो आग के ऊपर रखी हुई थी, टू बॉइल फॉर टी, है ना, चाय उबालने के लिए, है ना, चाय का पानी उबल रहा था उसके अंदर. एंड टोटो, और टोटो ने, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब उसके पास कुछ उससे अच्छा कुछ करने के लिए दिख नहीं रहा था उसको, तो उसको शैतानी सूझती रहती थी, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ढक्कन को हटा दिया. लिड किसको बोलते हैं, ढक्कन को. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, है ना, उस पानी को थोड़ा सा पर्याप्त गर्म पाकर, नहाने लायक पाकर, ही गॉटन, वो उसमें घुस गया, विद हीज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उस खुली केतली में से अपना सिर क्या कर रखा था उसने, बाहर निकाल रखा था, और अपना शरीर किस में डाल दिया, पूरा का पूरा केतली में डाल दिया. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, अब कुछ देर के लिए तो ये ठीक था, कुछ देर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा तब तक तो उसके मजे हो रहे थे, है ना, लेकिन अब पानी उबलेगा वो तो दिक्कत में आएगा कि नहीं आएगा. यस, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर जैसे थोड़ा सा गर्म होने लगा तो उसने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर लिया पानी में से, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और ऊपर उसको थोड़ी सी ठंड लगी, देन सेट डाउन अगेन, फिर उसमें वापस बैठ गया केतली के अंदर. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वो उछल कूद करता रहा ऊपर नीचे उसमें, है ना, वो उस केतली के अंदर ऊपर नीचे उछल कूद करता रहा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी माँ वहाँ पहुँच नहीं गई, एंड हॉल्ड हिम, और उसे बाहर नहीं निकाल दिया, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द कैटल, उस केतली में से, है ना, यानी धीरे धीरे पानी क्या होता जा रहा था, गर्म होता जा रहा था, गर्म होता जा रहा था, और होता जा रहा था, और वो उसी के अंदर हॉप हॉप करता जा रहा था, यानी उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, यानी कूद तो गया उसके अंदर लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था, अगर दादी माँ थोड़ी बहुत देर और नहीं आती तो उसी में ही वो उबल जाता. इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अब लेखक कह रहे हैं कि ये देखो ट्रस्किन बॉन्ड, ये लेखक हैं इसके, ठीक है ना, कि अगर शरीर इस, अगर ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा है जो शैतानी के लिए उत्तरदायी है, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा है स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, जो कि किसके लिए, शैतान ही के लिए उत्तरदायी है, स्पेशली उसी के लिए डिवोटेड है, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो पक्का वो जो हिस्सा है वो टोटो के अंदर बहुत ज़्यादा विकसित है. ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देता था. व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, व्हेनेवर, जब भी कभी मेरी कोई आंट्स, आंटी उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, और तो वो उनकी ड्रेस को पकड़ने का, उनकी साड़ी वाड़ी को या उनके कपड़ों को पकड़ने का हर कोई प्रयत्न करता था वो, है ना, यानी उनको पकड़ ही लेता था, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें कोई छिद्र निकाल देता था, अपने दांतों से काट के क्या निकाल देता था, छिद्र निकाल देता था, तो उसको दांतों से काट देता था उनकी ड्रेस को. वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के समय ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, है ना, एक पकवान, पुलाव का पकवान रखा हुआ था सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में, बीच में, है ना, एक बड़ा शानदार, दादी माँ ने क्या बनाया था, पुलाव का पकवान रखा हुआ था. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने प्रवेश किया और देखा कि टोटो जो है वो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, है ना, वो अपना राइस से पेट भर रहा है, अर्थात राइस खा रहा है. माई ग्रांड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, चीखी, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक के मारी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची उसकी ओर दौड़ी, उसको मारने के लिए दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस,
और उस बंदर ने उनके मुंह पर एक पानी भरा भरा गिलास फेंक के मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने उस पुलाव की डिश को पकड़ा, उस पुलाव के पकवान की जो प्लेट थी उसको पकड़ा, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की में से बाहर निकल गया। वी फाउंड, हमने पाया, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट किसको बोलते हैं? कटहल को बोलते हैं। कटहल होता है ना जिसकी सब्जी बनती है, ठीक है ना। तो वी फाउंड हिम, हमने पाया कि वो कहाँ चढ़ गया है, अब जाके उस पुलाव को, पुलाव की डिश को लेके कटहल के पेड़ की शाखाओं पे जाके बैठ गया है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो जो पकवान था अभी भी उसकी बाहों में है, अर्थात अभी भी उसने हाथों में पकड़ रखा है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहां रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे आराम से उस चावल को, चावल के पुलाव को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो दृढ़ निश्चय कर रखा था उसने कि इसके एक एक दाने का मैं आनंद लूंगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट का मतलब होता है परेशान करना, है ना। और तब उसने दादी माँ को परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, अर्थात अब वो दादी माँ से क्या लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है ना, क्योंकि उसके ऊपर चिल्ला दी थी ना उसकी दादी, है ना। तो दादी माँ उसके ऊपर चिल्लाई थी, अतः उसका बदला लेने के लिए ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने खा पी के उस प्लेट को ऊपर से नीचे फेंक दिया, पेड़ पे से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 pieces, और खींच 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 करने लगा, चैटर करने लगा। चैटर का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी तेज तेज आवाज निकालना, है ना। तो बंदर करते हैं ना, खर खर करते हैं, ऐसे करने लगा हंसी खुश होकर। डिलाइट का मतलब प्रसन्न होकर, खुश होकर, जब उसने देखा कि वो टूट गई है, प्लेट टूट गई है इनटू 100 pieces, 100 टुकड़ों में टूट गई है। जब वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई तो वो क्या हो गया, खुशी के मारे खीं खीं करने लग गया। ऑब्वियसली, निस्संदेह, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं था, वी कुड कैप्ट फॉर लॉन्ग, जिसे ज़्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता था। इवन ग्रांड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी अब ये महसूस हो चुका था, दादाजी भी अब ये जान चुके थे। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने समृद्ध भी नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, यानी हम इतने धनवान नहीं थे, हम इतने समृद्ध नहीं थे कि हम अफोर्ड कर सकें, झेल सकें, सहन कर सकें बार बार होने वाले नुकसान को, फ्रीक्वेंट लॉस, बार बार होने वाले नुकसान को, किसके, डिशेज के, क्लोथ्स के, कपड़ों के, कर्टेंस, पर्दों को फाड़ देता था, एंड वॉलपेपर, और वॉलपेपरों को भी फाड़ देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, अतः दादाजी ने वापस किसको ढूंढ लिया, उस तांगे वाले, है ना, तांगे के ड्राइवर को ढूंढ लिया, उस तांगे वाले को ढूंढ लिया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उसे बेच दिया, फॉर ओनली 3 rupees, कितने रुपए में, 3 rupees में, और ख़रीदा था कितने में था, 5 rupees में, 2 rupees के नुकसान के साथ इतना सारा नुकसान करवा लिया खुद का, और 2 rupees के घाटे के साथ उसको बेच दिया, है ना। तो बताओ ये टोटो जो था, शुरू शुरू में एक प्रश्न पूछा है ना आपसे, ये रहा देखो, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था कि लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल, है ना, आओ ढूंढते हैं कि वो शैतान है या डोसाइल है, वो एक शैतान है या आज्ञाकारी है। तो वो पक्का क्या है, शैतान है। तो बंदर कभी सुधर नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।